बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट की थी, न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 एंड 3 हमने किए थे। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 में साउंड इंटेंसिटी फ्रॉम ए जैक हैमर इज 8.20 मल्टीप्लाई 10^-2 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल? साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल को हमने फाइंड करना था। ठीक है, और हमारे साथ इंटेंसिटी लेवल गिवन था। ठीक है, इंटेंसिटी I1 गिवन था और I0 हमारे साथ रेफरेंस पॉइंट है, वो भी हमारे साथ क्या है, गिवन है। और इसी तरह हमने किस चीज़ को फाइंड करना था, हमने इंटेंसिटी लेवल को हमने फाइंड करना था। और इंटेंसिटी लेवल के लिए इक्वेशन है डेल बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ I डिवाइड बाई I0। आई भी हमारे साथ मौजूद है और I0 भी हमारे साथ क्या है, मौजूद है। ठीक है, आई भी मौजूद है और I0 भी मौजूद है, तो इस पे वैल्यू जब हम पुट कर लेते हैं तो हमारे साथ क्या बन जाता है, हमारे साथ इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, 109.13 डिसिबल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि एक शिप है, ठीक है, वो एक खास डिप पे कड़ी है, यानी एक खास पॉइंट पे कड़ी है, वहाँ से इस वाटर का यानी लेक का जो डिप था वो है 120 मीटर। और जब ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है कि ये शिप से अल्ट्रासोनिक वेव सेंड कर रहे हैं बॉटम तक। ठीक है, तो वो वापस आ जाते हैं तो कितना टाइम लेता है, यानी ई को जब प्रोड्यूस होते हैं तो 1.016 सेकंड लेते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमने फाइंड करना है। दो चीज़ें गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम हमारे साथ क्या गिवन है। इस इज इक्वल टू V2, इस फार्मूले से हमारे साथ होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू 2D डिवाइड बाई 2, इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे साथ बन जाएगा 1500 मीटर पर सेकंड, यानी ये वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 3 के एक रैम्पायर, हमारे साथ एक रिपल का नाम है, 22 रैम्पायर एक रिपल का नाम है, ठीक है, एक बंदूक का नाम है, ठीक है, जो जो कि इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं 2.5 × 10^13 I0। ठीक है, अब I0 क्या है, आप लोगों से कह रहे हैं कि इसके लिए हमने वो ईयर प्रोटेक्शन हमने पहनना है या नहीं। ठीक है, तो हमारे साथ रेफरेंस इंटेंसिटी हमारे साथ है 1 W/m². ठीक है, 1 × 10^-12 W/m². ठीक है, सिंपल इस इक्वेशन में यहाँ पर भी डेसिबल में इंटेंसिटी लेवल को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करें, बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ I डिवाइड बाय I0। सिंपल जब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे साथ आ जाता है 134 डिसिबल। अब याद रखिए कि हमारे साथ जो ईयर को हमारे कानों में जो डैमेज करते हैं, हमारे कानों को जब डैमेज करते हैं तो इसके लिए फ्रिक्वेंसी कितनी फ्रिक्वेंसी है, यानी कितने डिसिबल इंटेंसिटी की ज़रूरत है, वो है 85 डिसिबल। अब हमारे साथ यहाँ पर क्या है, 134, तो ये डायरेक्टली हमारे कानों को डैमेज करते हैं, तो इसके लिए हमारे साथ क्या है, इसके लिए हमारे साथ वियरिंग डिवाइस यानी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन को हमने पहनना है। ठीक है, ताकि हमें कुछ नुकसान ना पहुँच जाए, यानी ताकि हमारे कानों को डैमेज ना कर सके। अब नेक्स्ट है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल इज प्रोड्यूस बाय एयरफोन दैट क्रिएट एन इंटेंसिटी ऑफ 4.00 × 10^-2 वाट पर मीटर स्क्वेयर। यूज द यूजुअल रेफरेंस लेवल ऑफ I0 इज इक्वल टू 1.00 × 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वेयर। 1.00 × 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, व्हाट इज साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल? साउंड इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में क्या होगी, वो हमने फाइंड करना है। किस चीज़ को, साउंड इंटेंसिटी लेवल को हमने फाइंड करना है। ठीक है, एक एयरफोन है जो कि इंटेंसिटी क्रिएट कर रही है, वो है 4.00 × 10^-2 वाट पर मीटर स्क्वेयर। और इसके साथ जो यूजुअली हम डेली लाइफ में रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो है I0, यानी ये I है हमारे साथ। I किस चीज़ के बराबर है, 4.00 × 10^-2 वाट पर मीटर स्क्वेयर। और I0 जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है
आई नॉट जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है वो हमारे साथ बराबर है 1.00 मल्टीप्लाई 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वेयर। गिवन डेटा में हम क्या लिख सकते हैं? गिवन डेटा में हम लिख सकते हैं रेफरेंस लेवल इंटेंसिटी आई नॉट विच इज इक्वल टू 1.00 मल्टीप्लाई बाय 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वेयर। अब सोन इंटेंसिटी जो एयरबोर्न का गिवन है वो है आई इज इक्वल टू 4.00 मल्टीप्लाई 10^-2 वाट पर मीटर स्क्वेयर। 4.00 मल्टीप्लाई 10^-2 वाट पर मीटर स्क्वेयर। रिक्वायर्ड में क्या है? रिक्वायर्ड में है सोन इंटेंसिटी एंड डिसिबल। सोन इंटेंसिटी हमने फाइंड करना है किस चीज़ में, डिसिबल में हमने सोन इंटेंसिटी को फाइंड करना है। फार्मूला प्लस सोल्यूशन, फार्मूला हमारे साथ क्या है? फार्मूला हमारे साथ गिवन है, ठीक है, फार्मूला हमारे साथ है बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई डिवाइड बाय आई नॉट। बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई डिवाइड बाय आई नॉट। बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई डिवाइड बाय आई नॉट हमारे साथ क्या है? फार्मूला है। सिंपल, इस फार्मूले में क्या करें? वैल्यू पुट करें, ठीक है। जब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, आई की जगह हम क्या लगा लेंगे? आई की जगह हम लगा लेंगे 4.00 मल्टीप्लाई 10^-2 वाट पर मीटर स्क्वेयर। और रेफरेंस पॉइंट यानी इंटेंसिटी आई नॉट की जगह हम क्या लगा सकते हैं? 1.00 मल्टीप्लाई 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, ठीक है, अब ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 10^-12, बिल्कुल हमारे साथ क्या आएगा? 10^-12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10^-12 हम क्या कर ले, इसको ऊपर ले जाए तो ये बन जाएगा +12 -2 +12 -2 +12। तो बीटा इज इक्वल टू 10 log of 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10, ठीक है। अब जब हम लॉग इस ले लेते हैं, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 के, तो हमारे साथ बन जाता है 10.602, 10.602, या सिंपल यहाँ, ठीक है, 10.602। और जब इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ बन जाता है 106.02 डिसिबल। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी लेवल प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? वो है 106.02 डिसिबल, यानी 106.02 डिसिबल। यहाँ पर ये एयरफोन क्या कर रहे? इंटेंसिटी लेवल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कौन? ये एयरफोन्स जो हमारे साथ इंटेंसिटी लेवल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है? वो है 106.02 डिसेबल। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ सोन इन एयर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सोन इन एयर? स्पीड ऑफ सोन इन एयर में क्या होगी? ठीक है, एयर में स्पीड ऑफ सोन क्या होगी अगर हमारे साथ टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है? अगर टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एयर में स्पीड ऑफ सोन क्या होगी? ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्पीड ऑफ सोन पाइंड किया किस चीज़ में? वाटर में। स्पीड ऑफ सोन इन वाटर, स्पीड ऑफ सोन इन वाटर में हमने पाइंड किया, ठीक है, जो कि वो था हमारे साथ 1500 मीटर पर सेकंड, 1500 मीटर पर सेकंड, जो कि अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोन वेव के जरिए हमारे साथ प्रोड्यूस हो गया था, वो था 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमारे साथ क्या है? हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में हमने फाइंड करना है, यानी हमारे साथ एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या है, यानी जहां पर टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो गिवन डेटा में हम क्या लिख सकते हैं? गिवन डेटा में सिर्फ क्या गिवन है? टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर है टी इज इक्वल टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्पीड ऑफ सोन हमने पॉइंट करने, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है स्पीड ऑफ सोन, ठीक है।
सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं फार्मूला प्लस सॉल्यूशन एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू 331 प्लस 0.61 टी। टी क्या है? टेम्परेचर है जो कि हमारे साथ गिवन है। ये बुक में 0.6 है, ये हम 0.6 भी ले सकते हैं और 0.61 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 331 प्लस 0.61 टी। अब यहाँ पर हमने टी की जगह किस चीज़ को पुट करना है? टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या है? वो गिवन है माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वी इज इक्वल टू 331 प्लस 0.61 एन टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। और 0.61 मल्टीप्लाई बाय 20 जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे साथ बन जाते हैं 12.2। अब 331 माइनस 12.2 तो हमारे साथ बन जाएगा v इज इक्वल टू 319.2 मीटर पर सेकंड, 319.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आंसर में हम किस तरह लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू 319 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो कि टेम्परेचर हमारे साथ है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस टाइम हमारे साथ टेम्परेचर होगी 319.2 सॉरी उस टाइम हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड होगी 319.2 मीटर पर सेकंड। ये किस चीज़ में? एयर में, जब टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ये हमारे साथ इक्वेशन है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए, ठीक है। 331 प्लस 0.61 टी, 331 प्लस 0.6 टी या 331 प्लस 0.61 टी, ये था हमारे साथ क्या? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स इज आर्मी मैन वेयरिंग बाय न्यूक्लियर सी द फ्लैश फ्रॉम एनर्जी टैंक फायर 5 सेकंड बिफोर द फायर इज हिट। ही रिकॉर्ड्स 26 डिग्री टेम्परेचर ऑन हिज पर्सनल थर्मामीटर। वट इज द डिस्टेंस ऑफ द टैंक फ्रॉम हिम। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है कि एक आर्मी मैन है, उसने दूरबीन पहना हुआ है और वो उस अपने दूरबीन से एक टैंक को देख रहा है जो कि वो टैंक फायर कर रहा है, ठीक है। जब उसने उस टैंक ने फायर किया तो उसने ये आर्मी मैन ने क्या किया कि उसने लाइट देख लिया, ठीक है। और जब ये फायर का जो साउंड है वो जब इसके कानों तक पहुंच गया तो उसके दरमियान और स्प्लैश ऑफ लाइट यानी लाइटनिंग और साउंड के दरमियान जो टाइम आ गया वो था हमारे साथ 5 सेकंड। टाइम किस चीज़ के दरमियान? फ्लैश ऑफ लाइट के दरमियान यानी लाइट के दरमियान और ये साउंड के दरमियान यानी टैंक के पायर का जो साउंड है उसके दरमियान और इसके जो पायर यानी उसका जो लाइट है इन दोनों के दरमियान हमारे साथ टाइम कितना आ गया, यानी इसने अपने दूरबीन से जब देख लिया, ठीक है। तो पहले उसने स्पीड ऑफ लाइट सॉरी साउंड उस पहले इसने लाइट देख लिया और लाइट की ठीक 5 सेकंड के बाद इसने क्या किया? साउंड सुन लिया, ठीक है। और फिर उसने अपने पर्सनल थर्मामीटर जो इसके साथ था उससे उन्होंने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, यानी उस टाइम जो दिन का टेम्परेचर था वो था 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अब हमसे कहा जा रहा है कि वट इज द डिस्टेंस ऑफ द टैंक फ्रॉम हिम। हमने ये फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ द टैंक यानी इस आर्मी मैन के दरमियान और टैंक के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये हमने फाइंड करना है। दोबारा अपने आप को समझाइए कि एक हमारे साथ आर्मी मैन है, ठीक है। उन्होंने दूरबीन पहना हुआ है, वो एक टैंक को देख रहे उस दूरबीन के जरिए, ठीक है। जब उस टैंक ने जब फायर किया तो ये आर्मी मैन ने क्या किया? लाइट देख लिया, ठीक। लाइट देखने के 5 सेकंड बाद उसने वो फायर का साउंड सुन लिया, ठीक है। अब फिर उसने क्या किया? अपने पर्सनल थर्मामीटर से टेम्परेचर रिकॉर्ड की, ठीक है। अब जब उसने टेम्परेचर रिकॉर्ड की वो टेम्परेचर आ गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब हम सिखाया जा रहा है कि ये आर्मी मैन के दरमियान और टैंक के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है। गिवन डेटा में क्या है, टाइम दिया गया है, टाइम कितना है 5 सेकंड, टाइम कितना है हमारे साथ 5 सेकंड, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। ठीक है, हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द टैंक यानी टैंक और इस आर्मी मैन के दरमियान डिस्टेंस कितना है। ठीक है, फार्मूला प्लस सोल्यूशन एज वी नो दैट, डिस्टेंस के लिए हमारे साथ फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू वी टी, डी इज इक्वल टू वी टी या एस इज इक्वल टू वी टी। हेयर स्पीड ऑफ सोन एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड इज, अब यहाँ पर हमारे साथ देख रहे गिवन डेटा में स्पीड गिवन नहीं है, गिवन डेटा में स्पीड गिवन नहीं है, तो स्पीड को अगर हमने फाइंड करना है तो इसके लिए एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन है v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.61 टी। ठीक है, अब टी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जगह पर हमने वैल्यू पुट किया, ठीक है, वो वैल्यू आ गया 26, वो वैल्यू क्या था 26 यानी 26 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे साथ क्या है, टेम्परेचर है। जब हम 26 मल्टीप्लाई बाय 0.61 कर ले तो हमारे साथ बन जाएगा 15.86, 15.86 प्लस 331, 15.86 प्लस 331, जब हम 15.86 को ऐड कर ले 331 के साथ तो उसको हम ऐड कर लेते हैं 346.86 मीटर। ठीक है, तो हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड कितना बनता है, स्पीड ऑफ साउंड बनता है 346.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 346.8 मीटर पर सेकंड। सिंपल इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट कीजिए, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड को इक्वेशन नंबर ए में पुट करें और टी यानी टाइम तो हमारे साथ गिवन है, टाइम है 5 सेकंड। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, डी इज इक्वल टू 346.86 मल्टीप्लाई बाय 5, 346.86 की जगह में 347 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 346.86 की जगह मैं 347 भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 जब हम कर ले तो हमारे साथ बन जाएगा 1740 मीटर, 1740 मीटर। अब इसको किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये एक पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा तो हमारे साथ बन जाएगा 1.74 किलोमीटर या 1.7 × 10³ मीटर। 10³ किस चीज़ के बराबर है, 10³ बराबर है किलो की। ठीक है, तो हमारे साथ बन जाएगा 1.7 किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या है, आंसर में हम किस तरह लिख सकते हैं, 1.7 किलोमीटर ये बंदा और ये आर्मी मैन और इस टैंक के दरमियान जो डिस्टेंस है, आर्मी मैन और टैंक के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1.7 किलोमीटर है, वो डिस्टेंस क्या है 1.7 किलोमीटर है। ठीक है, समझ आ गया या नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिए काइंडली, जिस पॉइंट में भी मसला हो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी।